नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डायबिटीज़ में बहुत से लोगों को रोज़ाना इंसुलिन लेना पड़ता है, तब जाकर वह कुछ खा सकते हैं। और आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं और कुछ ऐसे प्राणायाम बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत जल्दी ही आपका इंसुलिन लेना बंद करवा देगा और हर तरह की डायबिटीज़ को यह ठीक कर देगा। डायबिटीज़ के लिए आपको एलोवेरा काम में लेना होगा। जी हाँ, एलोवेरा की आपको सहायता लेनी होगी, क्योंकि बॉडी में यह वापस इंसुलिन बनाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए आपको 2 चम्मच एलोवेरा जूस लेना है। उसमें बराबर मात्रा में 2 चम्मच आंवले का रस मिला दीजिए। इसको आपको एक बार सुबह और एक बार शाम को खाली पेट लेना होगा और आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। फिर इसी तरह बनाकर शाम को भी खाली पेट लेना होगा, यानी कि आपको दोपहर का खाना खाने के 4 घंटे बाद आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, जब पैंक्रियास में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तो इंसुलिन बनाना बंद हो जाता है और खाई हुई शुगर पचती नहीं है, या फिर वह शुगर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और एलोवेरा इंसुलिन को बनाने वाले एक सेल को पैदा कर देता है। इससे बॉडी में वापस इंसुलिन बनना चालू हो जाता है और एलोवेरा और आंवला दोनों ही डबल पावर के साथ डाइजेशन को भी सुधार देते हैं। दोस्तों, बस इतने सरल से इलाज से आप रोज़ाना इंसुलिन के इंजेक्शन लेना बंद कर सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ से हमेशा मुक्ति पाने के लिए कपालभाति प्राणायाम ज़रूर करें, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम करने से आपको इससे बहुत ही मदद मिलेगी। शुरुआत में 5 से 7 बार आपको करना होगा और फिर धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाकर आप 15 मिनट भी कर सकते हैं। इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, साथ ही साथ डायबिटीज़ की समस्या से भी आपको धीरे धीरे निजात मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।